हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नई वीडियो में, जो कि हमारी सीरीज चल रही है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर। उसमें हमारा जो नया टॉपिक है आज की इस वीडियो में, हम वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, मैंने दो या तीन वीडियो आपके लिए डाल दिए हैं ऑलरेडी, जिसमें मैंने बताया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, किस तरीके से उसको डील करते हैं, किस तरीके से आप फाइंड करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और उस पर कैसे एग्जांपल सॉल्व किए थे हमने और क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने उन सीरीज में सॉल्व किए थे वो ऐसे थे जिसमें सिंगल फंक्शन था, एक सिंगल फंक्शन जैसे साइन एक्स और उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो उनका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे x sin x आ गया, तो x जब सिंगल पहली बार करते हैं तो ऐसे x को छोड़ो sin x का डिफरेंशिएशन, फिर sin x को छोड़ो x का डिफरेंशिएशन। बट यही अगर आपको n बार करना हो तो क्या करना है, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम आता है इसमें, उसका नाम है लैबनिस थ्योरम। तो लैबनिस थ्योरम बताता है कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है उनका, जब वो क्या होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। तो अब हम बात करेंगे उन फंक्शन पे जो प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जब आज जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें बात की थी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में किसी सिंगल फंक्शन का nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, जिसके लिए कुछ फॉर्मुलेस थे और कुछ मैंने आपको न्यूमेरिकल करके दिखाए थे कैसे उसमें सॉल्व करना है। आज बात करेंगे उन दो प्रोडक्ट में आज जब फंक्शन आते हैं तो उनका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। यानी बेसिकली हम बात करने वाले हैं डी यानी डिफरेंशिएशन टू द n ऑफ यू एंड वी आर टू फंक्शन। सो यू और वी दो फंक्शन है, नोटेशन ले रहे हैं उनके लिए बस खाली, ठीक है। और d माने डिफरेंशिएशन, n माने nth सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, n टाइम अगर आप उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा। तो इसके लिए लैबनिस थ्योरम है, तो सीधे सीधे मैं लैबनिस थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो यार, स्टेटमेंट में जो ऊपर है स्टेटमेंट ऐसा है कि इफ u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन हुज डिजायर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट। डिजायर मतलब जो आपको चाहिए, आपको 25वां चाहिए, 25,000वां चाहिए, आपका सारे एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो आगे जाकर के नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है, उसका सारे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करते हैं, एनर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो आपका ये होगा, क्या होगा कि डी टू द पावर एन यू वी अगर आप करेंगे तो ये आता है डी टू द पावर एन यू, और वी को आप लेफ्ट करेंगे, देखो मैंने वी को छोड़ा, एन बार किसका करना है, यू का, प्लस एन सी वन डी टू द पावर एन माइनस वन टाइम ऑफ यू एंड मल्टीप्लाई डी वी प्लस एन सी टू डी टू द पावर एन माइनस टू ऑफ यू एंड डी टू द पावर टू एन वी एंड डॉट 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 सो ऑन अप टू एन सी एन माइनस वन डी टू द पावर वन ऑफ यू इंटू डी टू द पावर एन एन माइनस वन ऑफ वी एंड मल्टीप्लाई प्लस एन सी एन डी टू द पावर जीरो ऑफ यू एंड डी टू द पावर एन ऑफ वी, ठीक है। डी टू द पावर जीरो मतलब उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये आपका स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को समझिए पहले, क्या कह रहा है, कह रहा है nth डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है। देखिए, पहले सबसे पहले आपको v को लेफ्ट करना है, किसी भी एक को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने u v पहले लेफ्ट, तो v को लेफ्ट करना है, u का n बार करना है, प्लस एन सी वन u का n माइनस वन बार करना है, v का एक बार करना है, एन सी टू u का n माइनस टू बार, v का दो बार, डॉट डॉट अप टू तब तक चलेगा जब d जीरो हो जाएगा और v क्या हो जाएगा, n बार डिफरेंशिएट होगा। देखिए, जो u का डेरिवेटिव है वो पहले में n है, v का जीरो है, और अब u का कम हो रहा है, v का बढ़ रहा है, ये सेम है जैसे बाइनोमियल थ्योरम, ऑब्वियसली से ना, सेम जैसे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम भी आपका ऐसे ही काम करता है, a प्लस बी टू द होल पावर n इज एन सी वन एन सी जीरो, ए की पावर n b की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन b की पावर वन। ऐसे ही डिफरेंशिएशन भी ये जो है इस तरीके से वर्क कर रहा है कि अगर डी एन यू वी है तो v को छोड़ो, n टाइम डिफरेंशिएट कीजिए u का, प्लस एन सी वन डी ऑफ एन माइनस वन ऑफ यू डी ऑफ वी एन सी टू एन सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका स्टेटमेंट है। अब करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ ऑफ लैबनिस थ्योरम जो आपका रहेगा प्रूफ, तो देखो यार, प्रूफ करने के लिए जो हम इसमें यूज करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ऑब्वियसली है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। ऐसे आप इंडक्शन पढ़ के आए 11th में एनसीईआरटी 4th चैप्टर, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, थोड़ा याद दिला दूं आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं ट्रू है या नहीं है। अगर 1 के लिए ट्रू है तो k के लिए हम एज्यूम करते हैं कि माना ये k के लिए सही है, लेट एज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, और फिर प्रूफ कर देंगे किसके लिए, k प्लस 1 के लिए। तो ये ओवरऑल हर नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ में देखते हैं, फॉर n इक्वल टू 1
देखें फॉर एन इक्वल टू वन, तो देखते हैं वन के लिए ट्रू है कि नहीं। अगर यहाँ पे वन हो गया तो ये हो जाएगा डी ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं यहाँ पे वन रख दूँ तो ये हो जाएगा वी डी ऑफ यू, और यहाँ ये तो ख़त्म क्योंकि वन है ना एक ही बार होगा, बस दो ही टर्म आएंगे एक ही वाला है ना, तो प्लस एन वन सी वन खत्म, डी की पावर वन माइनस वन जीरो, मतलब यू और डी ऑफ वी, बस दो ही टर्म आने वाले हैं, एक ही है और एक है, ठीक है, क्योंकि जो एन वाला दो वाला होगा तो तीन बार चलेगा वो ये ठीक है, एन सी एन तक चलता है ना, तो वन सी वन तक चलेगा खत्म, क्योंकि आप उसके बाद हो नहीं सकता, तो एन सी वन के लिए ये आ रहा है। तो अगर आप देखें इसको ये तो ट्रू है, ये हमारा सिंपल यू वी रूल है डिफरेंशिएशन के लिए कि यू इंटू वी क्या होता है, वी को छोड़ो यू का डिफरेंशिएट प्लस यू को छोड़ो वी का डिफरेंशिएट, इसका मतलब वन के लिए क्या है ट्रू है। सो दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन, ठीक है, वन के लिए ट्रू है। नाउ हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एस एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अब मान लेते हैं के के लिए ट्रू है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा d टू द पावर k ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू v d टू द पावर k ऑफ u एन प्लस के सी वन डी टू द पावर k माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई इंटू यू एंड d ऑफ v प्लस के सी टू डी टू द पावर k माइनस टू एंड d टू द पावर टू v एंड सो ऑन अप टू, डायरेक्ट लिख रहे हो लास्ट टर्म, दिस इज के सी के डी टू दी पावर जीरो ऑफ यू, मतलब यू का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यू ऐसे रहेगा एंड डी टू दी पावर के ऑफ वी। सो हमने एज्यूम कर लिया कि ये एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, तो आपके लिए ये आ जाएगा। नाउ अब मुझे क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। सो अगर ये के प्लस वन के लिए ट्रू है तो देखिए यहाँ पे मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, इसी में जो है एन की जगह के प्लस वन डाल देते हैं, तो ये के प्लस वन के लिए ऐसा हो जाएगा फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, अगर आप के प्लस वन के लिए देखें तो ये पूरा का पूरा कुछ ऐसे होने वाला है, डी के प्लस वन इज इक्वल टू डी टू द पावर के प्लस वन यू प्लस के प्लस वन वन, यहाँ पे हो जाएगा के प्लस वन माइनस वन यू डी वी सेकेंड, यहाँ पे जहाँ जहाँ एन है वहाँ के प्लस वन, यहाँ पे भी के प्लस वन एंड सो ऑन एंड इधर भी के प्लस वन, यहाँ के प्लस वन, यहाँ के प्लस वन और यहाँ पर भी के प्लस वन और के प्लस वन डी टू द पावर के प्लस वन, ठीक है, वो स्टेटमेंट मैंने दोबारा मिठा के नहीं लिखा है, दोबारा देखिए ऐसे लिख दिया। अब आप देख सकते हैं ये के प्लस वन का स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना, अगर ये वन के लिए ट्रू है, के लिए मैंने एज्यूम कर लिया और ये मुझे प्रूफ करना है, तो एक्चुअली हमें कुल मिला के अब ये लेके आना पड़ेगा कहीं से, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेके आना पड़ेगा। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे किससे, इसकी हेल्प से ये क्यों हम एज्यूम कर रखा है ना, इसकी हेल्प से ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, तो आपने नोट कर लिया है। अब देखिए ये हमें प्रूफ करना है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे अब थोड़ा लंबा होता जाएगा, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आप ध्यान रखें, ये हमें लेके आना है, ठीक है। अब किसकी हेल्प से लेके आएंगे, जो नीचे स्टेटमेंट लिखा है के वाला, उसकी हेल्प से हम इसको लेके आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये हटा देते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं, आप यहाँ से जो आपका इक्वेशन ये है के वाला देखिए थोड़ा सा लेंथी होगा इसलिए लिखने में बहुत दिक्कत है इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा अगर आपके कोर्स में लैब नहीं जाता। देखिए यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, एक बार इसको ना डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी के टाइम डिफरेंशिएट हो रखा है, तो एक और बार करेंगे तो डी टू द पावर के प्लस वन हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा डी टू द पावर के प्लस वन ब्रैकेट में यू इंटू वी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, अब है क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हर टर्म का डिफरेंशिएट होगा। अब प्रॉब्लम ये है, हर टर्म में दो है, एक ये है, यू है, यू है, तो यू भी रूल सब में लगेगा, तो एक एक करके लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखें, इसमें तो इसमें क्या आएगा, इसमें v को लेफ्ट किया, d टू द पावर कितना था, k था, तो हो जाएगा d की पावर k प्लस वन ऑफ u प्लस अब की बार d टू द पावर k u को छोड़ा और dv, है ना, ये पहले वाले का है, ये क्या है, सिर्फ पहले वाले का, ऐसे ही सेकेंड वाले में k प्लस वन है, सेकेंड वाले में यहाँ पे क्या है k प्लस वन, तो k प्लस वन कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, सॉरी के सी वन कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, यहाँ पे फिर यू भी रखेगा, तो डी टू द पावर
के माइनस वन और यू इसको छोड़ा, और अगर आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी टू वी, क्योंकि एक बार हो रखा है, प्लस अब की बार अगर आप डी वी को छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो आएगा डी की पावर के ऑफ यू। ये सेकेंड वाले का हो गया, ऐसे ही थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का, एंड सो ऑन। आपको सबका करना पड़ेगा, जब आप सबका करेंगे तो डॉट डॉट लास्ट में जो है लास्ट वाला जो टर्म आएगा उसमें क्या है, सिर्फ डी यू, एक यू है ना, डी जीरो यू मतलब यू है और एक वी है, तो वहाँ पे अगर आप करेंगे तो आएगा के सी के डी। अब देखिए के सी के बाहर रखते हैं हम इसको क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो प्लस के सी के, वो तो वन ही होता। खैर अब यहाँ पे देखिए क्योंकि डी के वी है तो इसको हो जाएगा डी के प्लस वन वी। डी के प्लस वन वी कब होगा, जब आप यू को लेफ्ट करेंगे, और प्लस अगर आप डी के वी को लेफ्ट करेंगे तो आएगा डी यू। ये आपका सारे डिफरेंशिएट हो गए। क्या लगाया मैंने, यू वी रूल लगाया, सिंपल, दो 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 टर्म सब में है, यू वी रूल सब में अप्लाई हो गया। अब देखिए क्या होगा, आप थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं। सो रीअरेंजिंग द टर्म्स, ठीक है, हम क्या करें टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो ये हो जाएगा डी टू दी पावर के प्लस वन यू वी, सेम रहेगा इधर। अब देखिए ये रीअरेंज में क्या है, पहला टर्म है आपका वी डी टू दी पावर के प्लस वन एंड यू, है ना, पहला टर्म क्या है ये वाला, प्लस अब देखिए ये वाला जो टर्म है ना डी के यू और डी वी, और यहाँ पर भी देखिए एक आ रहा है डी के यू और डी वी, तो ये और ये तो दोनों सेम है। सो डी के यू और डी वी ये मैंने कॉमन ले लिया दोनों में, यहाँ पे बचेगा वन और यहाँ पे बचेगा के सी वन, क्या बनेगा के सी वन। ऐसे ही अगला टर्म अगर आप लेंगे, सेकेंड टर्म जब आएगा, सेकेंड टर्म में ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला टर्म कौन सा, डी टू दी पावर के माइनस वन यू और डी टू वी, ये वाला टर्म इसके साथ क्या कॉमन आएगा, ये वाला टर्म सेम जब अगला आप करेंगे ना थ्री वाले का, वहां पे भी बचेगा तो एक और एक ये वाला, तो यहाँ पे बचेगा के सी वन और अगले बचेगा के सी टू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लिखा नहीं मैंने सेकेंड टर्म, लिखना चाहिए था। देखिए जब आपने इस टर्म का डिफरेंशिएट किया तो दो आएंगे, ये रहे एक और दो, और जब आप इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे फिर दो आएंगे, फिर आप अगले वाले करेंगे फिर दो आएंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले वाला तो ऐसे ही है, इस पहले का सेकंड और सेकंड के फर्स्ट में कॉमन है, ऐसे ही सेकंड के सेकंड और थर्ड के फर्स्ट में कॉमन आएगा, ऐसे ही थर्ड के सेकंड और फोर्थ के फर्स्ट में कॉमन आएगा, और सो ऑन चलता रहेगा। ये चलेगा लास्ट तक, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या होगा, ये जो लास्ट टर्म है आपका ये वाला, इसमें कॉमन नहीं आएगा, ये ऐसे रहेगा डी टू दी पावर के प्लस वन, लास्ट टर्म डी टू दी पावर के प्लस वन ऑफ यू इंटू ऑफ बी इंटू यू, ये वी आप करेंगे यहाँ पे और इंटू यू, यहाँ तक चलेगा। उससे पहले वाला ये जो टर्म होगा ये कॉमन में आ जाएगा और इस तरीके से ये चलने वाला है, नॉर्मली ये होगा। अब देखो यार एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये पहला टर्म है, एक फॉर्मूला होता है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ये फॉर्मूला होता है आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, कि एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। सो इसकी हेल्प से मैं ये कर सकता हूँ कि जो वन है ना इसे लिख सकता हूँ के सी जीरो एन प्लस के सी वन, ये वाले को, ये जो यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ के प्लस वन सी वन, क्या हो जाएगा के प्लस वन सी वन। सिमिलरली ये जो आपका सेकेंड टर्म है के सी वन प्लस के सी टू, ये हो जाएगा आपका के प्लस वन सी टू एंड सो ऑन, ठीक है। और अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर सबकी वैल्यू, तो आपका जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये मैंने हटा दिया, अब यहाँ पर ये हो जाएगा d टू दी पावर k प्लस वन ब्रैकेट में यू वी इज इक्वल टू, पहला टर्म जो आएगा वो आएगा v d टू दी पावर k प्लस वन u, सेम k प्लस वन u, प्लस अगला टर्म जो आएगा वो आएगा d टू दी पावर k टाइम ऑफ u इंटू डी वी, और ये जो फॉर्मूला है इस ये बन गया है आपका k प्लस वन सी वन इससे, ठीक है। प्लस नेक्स्ट वाला आपका बन जाएगा k प्लस वन सी टू इसकी जगह, और बाकी आ जाएगा d टू दी पावर k माइनस वन u और d टू दी v, d टू v। सिमिलरली डॉट और डॉट अप टू लास्ट टर्म जो आपका बनेगा वो बनेगा के प्लस वन ऑफ डी वी और इंटू यू। अब देखो यार यहाँ इसके साथ क्या है, वन है, वन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ के प्लस वन सी के प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि के एन सी एन हमेशा वन ही होता है। और ये बन गया है आपका वही इक्वेशन जो हमने पहले लिखी थी, तो इसका मतलब ये आपका प्रूफ हो गया आपका, दस दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, हैंस आपकी जो थ्योरम हो गई वो भी प्रूफ, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपको लैबनीज थ्योरम जो है प्रूफ करनी है, ठीक है। क्या किया मैंने, कुछ नहीं था, एन इक्वल टू वन के लिए मैंने दिखाया कि ट्रू है, के लिए क्या किया एज्यूम कर लिया, और के प्लस वन को के वाले को डिफ्रेंशिएट करके के प्लस वन के टर्म में आपको कन्वर्ट कर दिया।
थोड़ा सा, क्योंकि आप वाकई में बीएससी में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा क्योंकि लेंथ ही होंगे आपके, लेकिन टफ नहीं है, इजी नहीं है, इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल सा है। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा किसमें, कैलकुलेशन में। आप कोई टर्म छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे आपने एक टर्म छोड़ा कैलकुलेशन खराब, ठीक है, छोड़ नहीं सकते। तो अगर आपको समझना है, क्योंकि याद तो बेसिकली इसको आप याद नहीं कर सकते, याद करने की चीज़ है भी नहीं, ठीक है, ये इसका प्रूफ आप रट नहीं सकते। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक टर्म बड़े ध्यान से लिखना पड़ेगा, ठीक है, रफ कॉपी में भी लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से लिखना पड़ेगा। अगर आपने एक भी टर्म छोड़ा तो ये नहीं बनेगा फिर। तो इसीलिए आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, कॉमन लेना है और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपका लेबनिस थ्योरम का प्रूफ हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस पर जरा क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए एंड देन क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बेस जो क्वेश्चन है वो। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा वो है फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3 इनटू कॉस एक्स। nth डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट मतलब आपको nth सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, यानी कुल मिला के डी टू द पावर n फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डी एन ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, यानी n बार करेंगे तो क्या आएगा, n बार करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो यार, पहली बार करेंगे आप यू भी लगा देंगे, दूसरी बार करेंगे फिर यू भी लगाएंगे, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, n बार करेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, लेबनिस थ्योरम। हमारे पास अभी देखा हमने लेबनिस थ्योरम है। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा u और कौन सा v, ठीक है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ेगा अगर आप v और u गलत ले लेते हैं तो पीछे से आपको काउंट करने पड़ेंगे। देखिए कौन सा u और कौन सा v, तो जब आपके पास पॉलीनोमियल के साथ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ऑब्वियसली पॉलीनोमियल जो होगा वो आपका सेकंड फंक्शन बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक्स क्यूब है ये, यहाँ पे वो वाला फर्स्ट और सेकंड नहीं है जो हाईलाइट में है, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का जब आप पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, फिर करेंगे 6x आएगा, फिर करेंगे 6 आएगा और चौथी बार करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी n डिग्री पॉलीनोमियल का n प्लस 1 डेरिवेटिव 0 होता है। तो क्योंकि ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब यानी 3 प्लस 1 4, तो 4 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा 4, तो अगर मैं इसको u ले लेता हूँ तो u मेरे को लिखना पड़ेगा फिर डी एन यू, यानी u का nth डेरिवेटिव, तो वो तो 0 होने वाला है ना, क्योंकि 4 के बाद तो 0 हो गया। इसीलिए हम u किसको लेंगे, cos को, और इसको लेंगे v, तो v लेंगे तो पहली बार में v का डिफरेंशिएट होता नहीं है, दूसरी में 1, तीसरी में 2, चौथे में 3 और पांचवें टर्म से 0, तो उसके आगे सभी 0। तो इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखना है कि पहले कौन 0 होगा, है ना। अगर ये दोनों साइन कॉस होते तब तो दोनों ही 0 नहीं होंगे, लेकिन e की पावर x cos x होगा, दोनों 0 नहीं होंगे, लेकिन x आ जाएगा तो x के साथ cos, ऑब्वियसली x क्या होता है आपके किसी ना किसी टर्म के बाद अपनी डिग्री से अगले टर्म पे 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको v लेना है। तो इसको मैं एज अ v लेके चल रहा हूँ, इसको u लेके चल रहा हूँ। तो आपको लेबनिस थ्योरम बता दिया, आप सीधे अप्लाई कीजिए, क्या होता है एन सी ज़ीरो डी ऑफ एन ऑफ u, है ना। अब u की जगह मैं वैल्यू रख दूँ सारे, u की जगह मैं सीधे रख देता हूँ, u क्या हमारा cos x और d नहीं ओनली v, सो v इज x क्यूब मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये सिर्फ इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका नहीं करना। प्लस अगला आएगा आपका एन सी वन और डी ऑफ एन माइनस वन ऑफ कॉस एक्स और डी वी, फिर अगला आएगा आपका एन सी टू डी ऑफ एन माइनस टू ऑफ कॉस एक्स और साथ में डी स्क्वायर वी, फिर अगला आएगा आपका एन सी थ्री डी टू द पावर एन माइनस थ्री ऑफ कॉस एक्स और डी थ्री वी, अगला आएगा आपका एन सी फोर डी टू द पावर एन माइनस फोर डी टू द पावर फोर और v, ठीक है। अब देखिए क्योंकि v x3 है तो मैं 4 तक भी ज़्यादा लिख दिया है जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है क्यूब तक ही होगा डिफरेंशिएशन, ये भी 0 होने वाला है, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से पता था कि x d क्यूब यानी तीन ही बार डिफरेंशिएट होगा उसका, चौथी बार से तो 0, तो पाँचवा टर्म भी 0, छठा भी, तो इससे आगे जितने टर्म आएंगे सब क्या होने वाले हैं 0, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए v क्या है हमारा, तो v है x क्यूब, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये x क्यूब था, ये आपका v क्या था, x क्यूब था, cos मैंने ऑलरेडी रख दिया है, ये आपका x क्यूब हो गया, ठीक है। तो आइए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या आएगा देखते हैं, ये तो डायरेक्ट हो गया ना। सो nc0 इज 1, अब देखिए cos x का dn d टू दी पावर n ऑफ cos x, तो ये हम पिछली वीडियोज में करके आए हैं, ये हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं, इसका सीधे फॉर्मूला होता है cos n डेरिवेटिव क्या होता था, x प्लस n पाई बाई 2, है ना, और इंटू एक्स क्यूब वैसे रहेगा। प्लस अगला देखिए एन सी वन, तो एन सी वन इज एन, है ना, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस वन, सो एन, सो एन सी वन इज एन डी टू दी पावर एन माइनस वन कॉस क्या होगा, कॉस एक्स प्लस एन पाई बाई 2 की जगह हो जाएगा एन माइनस वन पाई बाई 2,
ठीक है, वही फॉर्मूला रहता है एन की जगह एन माइनस वन हो जाएगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करना है एक बार तो आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है हो गया। सेकंड थर्ड में देखिए एन सी टू, तो एन सी टू इज एन एन माइनस वन डी एन माइनस टू बार, तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू टू पाई बाई टू। और डी स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का दो बार करना है, तो पहली बार में थ्री एक्स स्क्वायर, दूसरी बार में सिक्स एक्स, तो इसमें इंटू सिक्स एक्स भी आएगा। उसके बाद अगला टर्म, सो अगला टर्म है आपका ये वाला, तो इसमें आएगा एन सी थ्री विच इज एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन सिक्स, एक्चुअली इसमें टू छूट गया एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए डी एन माइनस थ्री ऑफ कॉस एक्स विच इज कॉस एक्स प्लस एन माइनस थ्री इंटू पाई बाई टू, और इसका तीन बार करेंगे तो कितना आने वाला है छः, है ना, सिक्स एक्स का एक और बार करेंगे छः। अब आगे खत्म जीरो, तो ये आपका आंसर हो गया, बस इतना ही। ये जो है आपका आंसर है, ये है डी टू दी पावर एन ऑफ एक्स क्यू कॉस एक्स। ये इस तरीके से आपको लेबनीज थ्योरम अप्लाई करना है। हमेशा याद रखिए पिछला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहली एक्सरसाइज नहीं करी है तो आप सेकंड नहीं कर सकते, बिना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सीखे हुए कि कॉस एक्स का एनथ क्या होगा आप लेबनीज अप्लाई नहीं कर सकते। लेबनीज आपको डिफरेंशिएशन नहीं सिखा रहा है, यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नहीं सिखा रहा है किस फंक्शन का क्या होगा, ये आपको बता रहा है कि अगर दो मल्टीप्लाई में होंगे तब क्या करना है, दो मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या करना है, तो मल्टीप्लाई में होंगे तो ऐसा करना है। अब ऐसा करना है, इसमें आ रहा है डी एन कॉस एक्स, तो ये तो पीछे की एक्सरसाइज में है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपने पीछे की एक्सरसाइज नहीं किया, पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे, तो प्लीज़ आप जा सकते हैं, जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आ जा सकते हैं, आप जाइए और उसको देखिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। ओके, सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है वही, फाइंड द nth सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n माइनस वन ऑन log x। तो देखो यार, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट लेबनीज थ्योरम अप्लाई करें और वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने के लिए इजी वे क्या है, इजी मेथड्स क्या है, और हर मेथड को आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या करेंगे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं वैसे नहीं करूँगा जैसे मैंने पिछले उसमें किया था कि डायरेक्ट एन टाइम डिफरेंशिएशन कर दूँ, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से, जिससे हम क्या करेंगे ईजिली इसका एन डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन और log x, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, तो आ जाएगा y का हो जाएगा y1, y1 इज नोटेशन फॉर dy बाई डी एक्स, एंड वाई ऊपर भी 1 लिखा रहता है, कई बार नीचे लिखा रहता है, ठीक है, तो मैं अभी नीचे लिख रहा हूँ। सो y1 वन मीन्स dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा बताइए, इसमें अप्लाई करेंगे u भी रूल, तो x टू द पावर n माइनस वन को लीव किया, log x का 1 अपॉन x, और प्लस log x को छोड़ा, x टू द पावर n माइनस वन का हो जाएगा n माइनस वन x टू द पावर n माइनस टू, ठीक है, ये आपका होने वाला है। ये क्या है, पहली बार डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। नाउ अब अगर आप क्या करें, मैं इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा x y1, x से मल्टीप्लाई किया इसको, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगी तो x x कट जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर n माइनस वन, प्लस यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n माइनस टू पावर में एक x ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस वन, ये रहा, और x टू दी पावर हो जाएगा n माइनस वन, और साथ में हो जाएगा log x, ये होने वाला है, है ना, n माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन लॉग एक्स। लेकिन ये देखिए x टू दी पावर n माइनस वन लॉग एक्स, ये किसकी वैल्यू है, y की, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x y1 वन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n माइनस वन एन प्लस एन माइनस वन टाइम ऑफ y, है ना, ये y है। अब इस ऐसा क्यों किया, इससे क्या फायदा हुआ, अब देखो, नाउ डिफरेंशिएटिंग n माइनस वन टाइम्स, कितनी बार कर रहे हैं, n माइनस वन बार, क्योंकि एक बार कर चुके हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा d टू दी पावर n माइनस वन टाइम x ऑफ y1 इज इक्वल टू d टू दी पावर n माइनस वन टाइम ऑफ x टू दी पावर n माइनस वन एंड प्लस d टू दी पावर n माइनस वन टाइम ऑफ n माइनस वन एंड y, n माइनस वन एंड y, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका मैं n माइनस वन बार और कर रहा हूँ, तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे लगेगा आपका लेबनीज थ्योरम, ये आपका पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन, तो ऑब्वियसली मैंने बताया ना अभी पॉलिनोमियल आएगा तो उसको क्या करना है, दूसरा लेना है, तो इसको मैं v ले रहा हूँ, इसको u ले रहा हूँ, तो आपका हो जाएगा d टू दी पावर n माइनस वन बार करेंगे किसका, वाई का, और एक्स को छोड़ दीजिए, और प्लस अगली बार क्या करेंगे, डी टू एन सी वन सबसे पहले आएगा इसमें, अगली बार में क्या आएगा एन माइनस वन सी वन, क्योंकि यहाँ एन माइनस वन है ना, एन नहीं है, तो एन माइनस वन सी वन आएगा, और क्या करेंगे d टू दी पावर n माइनस वन, है ना, n n माइनस वन माइनस वन, एक और बार कम करके किसका करेंगे y1 का, और अब के बार एक बार किसका करेंगे x का, अब फिर आएगा n माइनस वन माइनस टू,
है ना माइनस टू, लेकिन वो नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि मुझे पता है सेकंड डेरिवेटिव x का जीरो होता है, तो वो तो करने की जरूरत नहीं, तो इसमें दो ही टर्म आएंगे इक्वल। इधर देखिए ये x टू द पावर n माइनस वन है, x टू द पावर n माइनस वन का जब n माइनस वन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए पिछली वीडियो पिछला चैप्टर पढ़ के आए, एक्स टू द पावर m होता है तो उसका m डेरिवेटिव क्या आता था, m फैक्टोरियल, तो कुल मिला के इसमें आ जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल, ये पीछे पढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये n माइनस वन तो कॉन्स्टेंट है, सो ये हो जाएगा n माइनस वन और d टू द पावर n माइनस वन बार y, है ना, d टू द पावर n माइनस वन बार y, वो बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा d टू द पावर n माइनस वन और y, y वन था यहाँ पे, सॉरी y वन, तो अगर आप y1 का n माइनस वन बार और करेंगे तो y1 n आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, y1 माने एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है dy by dx, आप n माइनस वन बार और कर रहे हैं तो इसका मतलब अब कितना आ जाएगा, n हो जाएगा इन टू x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखिए n माइनस वन c1 होता है n माइनस वन, है ना, n c1 होता है n, तो n माइनस वन c1 होता है n माइनस वन, फॉर्मूला वाली वही वाला एन सी आर इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए ये n माइनस टू है y1 का, तो y1 का जब आप n माइनस टू बार करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, y n माइनस वन आएगा, है ना, और dx करेंगे तो 1 हो जाएगा, आएगा ना n माइनस वन आएगा, मतलब आप ये समझ लीजिए एक बार तो हो गया, n माइनस टू बार कर रहे हैं तो एक बार हो रखा तो n माइनस टू प्लस वन यानी n माइनस वन हो जाएगा, सो n माइनस वन, और इधर देखिए इधर आएगा n माइनस वन फैक्टोरियल और जाएगा प्लस n माइनस वन, एंड अब देखो डी टू द पावर एन माइनस वन वाई, वाई का कितनी बार करना है, एन माइनस वन बार, तो ऑब्वियसली क्या आएगा वाई एन माइनस वन, है ना भाई, एक बार किया था ना यहाँ पे जब वाई आया था, दूसरी बार करेंगे कितना आएगा वाई टू वाई थ्री वाई फोर एन माइनस वन बार करेंगे, एन माइनस वन इससे कट गया ये, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये और ये बन गया सेम, तो अब क्या बचा मेरे पे, यहाँ बचा वाई एन एक्स, तो वाई एन की वैल्यू क्या आएगी, इससे एन माइनस वन क्या आएगी, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एक्स, ये आपका सॉल्व हो गया, हमें ये ढूंढना था एन डेरिवेटिव, ठीक है ये आपका सॉल्व। तो देखा आपने कितना, ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व किया है ना, एक बार किया उसके बाद क्या करा n माइनस वन बार किया, तो मोस्टली 90% क्वेश्चन में आपको यही करना पड़ेगा, आपको एक बार करना है उसके बाद उसका n माइनस वन बार और करना है एंड देन आपको आंसर मिलेगा, अगर मैं डायरेक्ट करने जाऊंगा इसमें शायद आंसर ना मिले, ठीक है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, इसको नोट कीजिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन। ओके तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द nth सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x log x, e टू द पावर x log x में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, e टू द पावर x को u और log x को v लेते हुए डायरेक्ट यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, लैबनिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई कीजिए यहाँ पे d टू द पावर n ऑफ y इज इक्वल टू d टू द पावर n टाइम ऑफ e टू द पावर x इंटू log x, सो अकॉर्डिंग टू लैबनिस थ्योरम ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या करना है, log x को छोड़ा d टू द पावर n टाइम करा आपने e की पावर x का, प्लस एन सी वन d टू द पावर n माइनस वन टाइम करना e की पावर x का, और log x का एक बार हो जाएगा, सो d ऑफ log x, d ऑफ log x, फिर क्या होगा एन सी टू e टू द पावर का कितना करना है, n माइनस टू टाइम ऑफ e टू द पावर x, और फिर हो जाएगा d ऑफ टू ऑफ log x, एंड ये चलता रहेगा आपका सो ऑन अप टू डॉट 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 d टू द पावर n, सीधे सीधे एन सी एन डी टू द पावर एन जीरो, मतलब जीरो टाइम ई टू द पावर एक्स एंड डी टू द पावर एन टाइम आपका लॉग एक्स, ये चलेगा, ठीक है, लैबनिस थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये तो लॉग एक्स है और पहला क्या है डी ई टू द पावर एक्स, तो आपको पता है यार ई टू द पावर एक्स का तो कितनी बार भी करो वो बेचारा बदलता ही नहीं, ई टू द पावर एक्स ही रहता है, तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x होने वाला है इसलिए वो तो वैसे ही रहेगा। अगला है एन सी वन, तो एन सी वन आपको पता है कितना होगा n, n बार n माइनस वन बार करेंगे e की पावर x का वो तब भी वैसे ही रहेगा, e की पावर x log x का करेंगे 1 अपॉन x हो जाएगा, सो अगला आएगा n e की पावर x प्लस 1 अपॉन x, सो नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट क्या होगा, सो एन सी टू, सो एन सी टू इज n n माइनस वन अपॉन टू एंड d टू द पावर n माइनस टू टाइम e की पावर x, तो वो e की पावर x रहेगा, लेकिन दो बार करेंगे log x का तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, क्योंकि इसी का दोबारा करना है, वन अपॉन एक्स का करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अगला क्या आएगा यार, अगला भी लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा n n माइनस वन, फिर आएगा n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री और e टू द पावर x, और इसका एक और बार करो तो प्लस हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स टू द पावर थ्री आने वाला है और ऊपर टू फैक्टोरियल आ जाएगा, क्या जाएगा टू फैक्टोरियल, ठीक है करके देख लो कोई दिक्कत नहीं, टू आएगा ना ऊपर क्योंकि एक्स क्यूब का जब यू अपॉन वी रूल लगाएंगे तो टू आएगा उसमें, किसमें वन अपॉन एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आता है माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब और ऊपर आता है टू, तो टू अपॉन एक्स क्यूब आता है, तो टू को टू फैक्टोरियल, जब आप इसका एनथ बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपका एक तो ई की पावर एक्स बचेगा,
NC11 होता है, लेकिन ये जो है इसके लिए, अब इसके लिए मैं ढूंढना चाहता हूँ एक फॉर्मूला जो मैं nth फॉर्मूला लिख सकूँ। तो nth फॉर्मूला में देखिए हुआ क्या, जो लॉग है ना, आप जरा ध्यान से देखिए लॉग को, लॉग जा रहा है 1/x, फिर जा रहा है -1/x², फिर जा रहा है 2×(x³), है ना। तो दो चीज़ें इसमें हो रही हैं, नंबर फर्स्ट एक तो अल्टरनेट साइन प्लस माइनस चलता रहेगा, और नंबर दो ये जो आपका ऊपर है, ऊपर तो फैक्टोरियल आ रहा है और नीचे x की पावर हो रही है। तो इसमें मैं सीधे लिख सकता हूँ इसमें कि ये आएगा e^(x), एक तो -1^(n-1), है ना, एक तो -1^(n-1), क्योंकि वो n माइनस वन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है ना उसका, अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है। एक आएगा इसमें n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि आप देखें जो पावर है उसी का फैक्टोरियल आ रहा है ना, 2 में 3 और x^(x) क्या आ रहा है आपका, (x^(-n), है ना, क्योंकि 1/x देखो यहाँ पे 3 है तो ऊपर 2 फैक्टोरियल आया है ना, यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि 2 फैक्टोरियल है तो 3 आया, 3 फैक्टोरियल है 4 आएगा, 4 फैक्टोरियल है 5 आएगा, n-1 होगा n आएगा, सो n आएगा आपका, तो क्या आएगा, अपॉन में n आएगा, तो उसे -n में लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, इसमें डायरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ईजी था, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसमें ऐसा होगा। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y=x²e^(x) अगर है तो प्रूफ कीजिए dny/dx^(n), यानी उसका n डेरिवेटिव होगा 1/2nn-1 dy/dx² - nn-2 dy/dx + 1/2n-1 n-2 (y). अगर आपका फंक्शन ये है तो ये प्रूफ कीजिए, ठीक है। इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको बुक में, dn(y), है ना, (=1/2n-1)(y²) - nn-2(y1)+(½n-1n-2)(y), इस तरीके से, ठीक है, एक ही बात है क्योंकि नोटेशन अलग है, और d²y/dx² को क्या लिखते हैं, y² लिखते हैं। नाउ प्रूफ करना है, सबसे पहले तो मैं इसको लैबनिज थ्योरम से डिफरेंशिएट करता हूँ। सो ये है y=x²e^(x), दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस पर लैबनिज थ्योरम अप्लाई कीजिए तो सीधे सीधे आएगा yn=, ठीक है। अब हम क्योंकि बार बार लिख चुके हैं तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें क्या होने वाला है, देखिए ये होने वाला है d(n) करेंगे e^(x) का, x² को ऐसे छोड़ के, प्लस अगली बार करेंगे nc1, अगली बार आएगा nc1 d²n-1 e^(x), और एक बार करेंगे x² का, फिर आएगा nc2, तो nc2 d²n-2 करेंगे e^(x) का, और एक बार स्क्वायर आएगा x² का, और इससे आगे मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको पता है वो जीरो होने वाला है, क्योंकि 3 0 4 0 सब जीरो। सो यहाँ से देखिए yn की जो वैल्यू आएगी e^(x) का कितनी बार भी करो वो e^(x) ही रहता है, तो e^(x)² nc1 का अगर आप करेंगे तो nc1 इज n, एक e^(x) का कितनी बार भी करो e^(x) ही रहता है, x² का हो जाएगा 2x, सो बेसिकली दिस इज 2x e^(xn). एंड अगला nc2 विच इज n n-1/2, और e^(x² का दो बार डिफरेंशिएट करना है तो 2 आएगा, तो 2 × e^(x), तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या है e^(xn-1), तो इसको मैं हटा देता हूँ 2 को, इसको 2 को हटा देता हूँ, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट है ना उसको डिफरेंशिएट करते हैं कितनी बार, वन टाइम्स। तो अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो आएगा y1=, देखिए u भी लगेगा e^(x) को x² को छोड़ा e^(x) का e^(x) प्लस e^(x) को छोड़ा x² का 2x। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो e^(x) x² है ये तो y ही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y1=y+e^(x)(2x), क्या लिख सकता हूँ y1=y+e^(x)(2x), और मैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y1-y=e^(x)(2x), दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, सो दिस इज y1 का हो जाएगा y2, और यहाँ पे y1 का y2, y का हो जाएगा y1, और इसका फिर अप्लाई करेंगे तो देखिए आपके बाद 2x को छोड़ा e^(x) का e^(x) प्लस, है ना, 2x को छोड़ा e^(x) का e^(x) प्लस 2x का हो जाएगा e^(x) को छोड़ा 2x का 2, तो ये आएगा आपका, है ना, y1 प्लस ये। अब देखिए यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, सो दिस इज y2=y1 प्लस ये जो 2e^(x) है ना, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से रख सकते हैं हम, 2x e^(x) है ना, 2x e^(x) की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो क्या आएगा y1 - y इसकी जगह और प्लस 2e^(x),
तो यहाँ से अगर आप देखें तो मैं चाहता हूँ 2e की पावर x की वैल्यू निकालना, बेसिकली मुझे ये चाहिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y2, देखिए y1 2y1, लेकिन इधर आएंगे तो माइनस का 2y1 और माइनस y इधर आ गए तो प्लस y। ये इसको मान लेते हैं आप इक्वेशन नंबर फोर। अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि एक्चुअली हमें ये प्रूव करना था d2n y, तो ये तो मिल गया मुझे यहाँ पर, लेकिन जो इधर है ना वो किस फॉर्म में है, y2 y1 और y की फॉर्म में। तो मैंने क्या करा, ये जो वैल्यू है देखिए, ये वाली जो वैल्यू है ये y है, ये वाली जो वैल्यू है e की पावर x 2x वो मैंने निकाल लिया y1 माइनस y, और ये जो वैल्यू है e की पावर x वाली वो मैंने निकाल ली यहाँ से e की पावर x y2 माइनस 2 y1 प्लस y और डिवाइड में 2, क्योंकि याद कीजिए हमने 2 से 2 काट दिया था, अगर हम नहीं काटेंगे तो ये ऐसा रहेगा। तो अब मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ उसको, क्योंकि 2e की पावर x की वैल्यू निकाल ली, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करूँगा, नाउ पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इंटू 2। तो 1, 3, 4 से 2 में रखते हैं, ठीक है। तो 1, 3, 4 से अगर आप 2 में पुट करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, yn इज इक्वल टू, पहली है आपका y प्लस ये हो जाएगा n और आपका e की पावर x 2x, तो इसकी वैल्यू यहाँ से है ना इक्वेशन नंबर 3 से, तो इसकी वैल्यू है y1 माइनस y और प्लस n ब्रैकेट में n-1/2, तो n n-1/2, और आपका 2e की पावर x की वैल्यू है y2 माइनस 2y1 n+y। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, y कॉमन लीजिए, y1 कॉमन लीजिए, जहाँ जहाँ y1 है, ये एक y1 है, एक ही y1 है, कॉमन ले लीजिए। तो देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो yn इज इक्वल टू y प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ny1 माइनस ny, यहाँ पे जब y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो n n-1/2 y2 माइनस, जब y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कट जाएगा, n और n-1 into y1 आएगा, है ना, जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 2 से 2 कट जाएगा, ये y1 होगा। प्लस y के साथ भी करना है तो y के साथ करेंगे तो n n-1 into n n-1 n/2, ये आने वाला है। अब इसमें क्या है देखिए, ये हो जाएगा yn इज इक्वल टू इसमें y और इसमें y, तो तीनों में अगर आप y कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे y ब्रैकेट में 1-n n+n और n-1/2 ऐसे। फिर आगे प्लस y1 कॉमन ले लीजिए, इसमें y1 है, y1 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा n-n n-1 इस तरीके से, और प्लस y2, तो y2 में तो कॉमन ही नहीं कुछ, तो y2 में n n-1/2। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये है yn इज इक्वल टू, ये जो y2 वाला इसको आगे लिख दूं तो ये हो जाएगा n n-1/2 into y2, तो ये पहला टर्म देखिए आ गया है जो हमें चाहिए n n-1/2 y2। प्लस अगला टर्म में देखिए, यहाँ से जब ये माइनस n मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -n, इसको यही काम कीजिए, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो n, है ना, या तो आप क्या कीजिए दोनों में n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -n+1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो n-2 होने वाला है उस चीज पर, क्या होगा n-2 नहीं 2-n, एक्चुअली 2-n होगा, क्योंकि ये आएगा माइनस का n2, यानी जब हम n कॉमन ले लेंगे, लिख देता हूँ एक बार, देखिए जब हम यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1-n+1, तो ये हो जाएगा n ब्रैकेट में 1 1 n 1 2, तो ये हो जाएगा 2-n, तो एक्चुअली n ब्रैकेट में 2-n आएगा। अब अगर इसमें से फिर माइनस कॉमन ले लेते हो n-2 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप माइनस कॉमन ले रखा है ना, तो इसीलिए वो माइनस कॉमन लेके बना n ब्रैकेट में n-2 n y1। ठीक है, समझ में आ गया इस तरीके से। तो ये वाला पोर्शन मैं रफ कर ले रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है इसमें, तो मैं ये वाला, ये बहुत छोटी कैलकुलेशन है, इनको मैं सॉल्व यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत छोटी कैलकुलेशन है। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था y1 ब्रैकेट में n-n n ब्रैकेट में n-1, ये ठीक है। तो ये आपका सेकंड आ गया, और थर्ड आपको इसको सॉल्व करना है, ये बहुत नॉर्मल सा है, ये 2 से एलसीएम ले लीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये बनेगा 1/2 ब्रैकेट में n-1 n-2 into y एलसीएम लेके, तो हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से आपका प्रूफ होगा ये वाला, सो दिस इज प्रूफ, सो हेंस प्रूफ, है ना, बड़ा ही सिंपल सा था हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यार, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, प्रूफ डेट वाले आपको मिल जाएंगे, लैबनीज थ्योरम से एक्सपेंड करने वाले मिल जाएंगे, और प्रूफ ऑफ लैबनीज थ्योरम बेसिकली आपको पूछा आता है पेपर में, ठीक है। तो यार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाकी के जो क्वेश्चन है उन पे, तब तक के लिए इसको नोट कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।